हारून के हुसैनपुर में रहने वाले ग्रामीण जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उनकी मुलाकात कलेक्टर महोदय से नहीं हो पाई। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में तकरीबन 200 परिवार रहते हैं और अभी तक किसी को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों की कई समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आवास न होना है। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सचिव उन्हें धमकी देता है कि तुम अगर शिकायत पर शिकायत करोगे तो तुम्हारी किसी भी योजना का तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर तुम्हें योजनाओं का लाभ चाहिए तो सभी शिकायतों को वापस लेना होगा। ग्रामीणों का कहना है कि वह कई बार कलेक्टर को आवेदन दे चुके हैं, साथ ही साथ अधिकारियों से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन कोई लाभ उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि पिछली बार भी जनसुनवाई में पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। चंद्रेश पीछे करिए, चंद्रेश हमारे गांव में आज तक प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का आवास योजना का लाभ आज तक नहीं मिला है। ना कोई सी योजना का लाभ मतलब बताते हैं वहाँ पे जाके, कोई ना पंचायत होती ना कुछ होता है वहाँ पे। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आज तक नहीं मिला, उसको दिला दिया जाए हमको। तो बस सरकार से निवेदन है, कलेक्टर साहब आ जाएं उनसे। हम पिछले मंगलवार को भी आए थे, हमें आज तक ना कुछ जवाब मिला है कि कब तक मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा इसका। और क्या हर पंचायतों में हर गाँवों में है जी। तो क्या क्या समस्या है आपके गाँव में? हमारी समस्या सबसे बड़ी चीज़ ये, सबसे बड़ी आवास योजना की, हमारे गाँव में जाके देख लिया जाए हम मुश्किल से रह पा रहे हैं। पन्नी और घास फूस के उस पर रह रहे हैं, देख लिया जाए आधे 200 वो है ना घर, 200 परिवार है ना, जो उसमें ऐसे जी मान लो आपकी 150 परिवार घास फूस की और पन्नी चढ़ा कर रह रहे हैं। पक्का मकान किसी के पास नहीं है, जबकि हर ग्राम में हर उसमें पंचायतों में आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। हमारे इसको वंचित क्यों कर दिया गया? कुछ बात क्या कहते हैं सहायक सचिव, क्या कहते हैं वो? धमकी देते हैं यहाँ से, शिकायत करने जाओगे ना? हाँ, हाँ। शिकायत करने जाओगे आप तो आपको कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आप है ना इसका वो करना चाहते हो, शिकायत वापस ले ली जाए अपनी।